सक्सेस वैशाली सिंगल फ्रॉम सक्सेस पॉइंट एजुकेशन। तो फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग सेक्शन को, जिसमें कि हम टॉपिक रखा है सिलोगिज्म्स, ठीक है। विद ट्रिक्स कैसे आप 20 सेकंड्स में सॉल्व करना है सिलोगिज्म्स को, वो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी, ठीक है। SBI 2018 के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है फ्रेंड्स ये। आप किसी भी बैंकिंग एग्जाम्स के लिए जा रहे हैं, चाहे वो सिंडिकेट बैंक, कैनरा बैंक या कोई भी बैंकिंग एग्जाम हो, तो आप उसके लिए इस वीडियो को जरूर देखिए, ताकि आपके सिलोगिज्म से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं वो आपके क्लियर हो सके, ठीक है। डे 3 की क्लास है फ्रेंड्स ये, और सिलोगिज्म्स का सेट 1 मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ फ्रेंड्स। इसमें मैंने इसमें आपको मॉडरेट लेवल रखा है, ठीक है, मॉडरेट लेवल रखा है। इसके नेक्स्ट सेट्स में मैं आपको थोड़ा डिफिकल्ट लेवल भी रखूंगी SBI की रिगार्डिंग, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। और फ्रेंड्स अगर आप पहली बार मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर टैप करना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं अपने सेशन के साथ फ्रेंड्स, जो कि आपका टॉपिक है सिलोगिज्म्स। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले लिखा है कि रीड द कॉन्क्लूजन्स एंड देन डिसाइड विच ऑफ द कॉन्क्लूजन लॉजिकली फॉलोज फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट्स दिस रिगार्डिंग कॉमनली नॉन फैक्ट्स। मतलब कुछ स्टेटमेंट्स आपको दिए जाएंगे, ठीक है, कुछ फैक्ट्स आपको दिए जाएंगे और जिसके रिगार्डिंग कुछ आपको कॉन्क्लूजन दिए जाएंगे। तो आपको डिसाइड करना है कि कौन सा आपको कॉन्क्लूजिकली लॉजिकली फॉलो कर रहा है या नहीं करना है। ऑप्शन इस तरह से है कुछ फ्रेंड्स। अगर केवल कॉन्क्लूजन 1 ट्रू होता है तो ऑप्शन नंबर 1 को टिक करना है। अगर कॉन्क्लूजन 2 ट्रू होता है, ओनली 2 ट्रू होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 टिक करेंगे। इधर फर्स्ट या फिर सेकंड, इन दोनों में से कोई एक होता है, इधर और का केस लगता है, तो आपको थर्ड पे जाना है। नीदर नॉर के लिए आपको फोर्थ को ऑप्शन को चूज करना है। और लास्ट है आपका कि अगर दोनों कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड दोनों ही ट्रू हो जाते हैं तो ऑप्शन नंबर 5th के साथ आपको जाना है। तो स्टार्ट कर, तो ये आपका स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें स्टेटमेंट आपको गिवन है कि ऑल कॉटन आर जूट, ऑल जूट आर ब्राउन एंड नो ब्राउन इज रेड, ठीक है। ये आपको 3 स्टेटमेंट दिया गया है, इन स्टेटमेंट को ट्रू मानते हुए आपको कंक्लूजन दिया है कि ऑल ब्राउन आर कॉटन और सम जूट आर कॉटन। इनमें से क्या होगा, ओनली 1 होगा, ओनली 2 होगा, इधर और, नीदर नॉर या बोथ, कुछ भी हो सकता है। तो किस तरह से आपको इन क्वेश्चंस को अप्रोच करना होता है फ्रेंड्स, देखिए अगर आप डायग्राम की हेल्प से करेंगे तो ये क्वेश्चंस आपके कभी भी गलत नहीं होंगे। ऑल कॉटन आर जूट, मतलब ये आपका कॉटन है, ऑल कॉटन को मैं सी से डिनोट कर रही हूँ, ठीक है, और ये कॉटन है, तो ऑल कॉटन जूट आर जूट, मतलब सारा का सारा कॉटन किसके अंदर आ गया फ्रेंड्स, जूट के अंदर आ गया है। आगे लिखा है ऑल जूट आर ब्राउन, सारा का सारा ये जो पूरा आपका जूट है, ये पूरा जूट किसके अंदर आ गया है फ्रेंड्स, ब्राउन के अंदर आ गया है। आगे लिखा है नो ब्राउन इज रेड, मतलब ये आपका पूरा का पूरा फ्रेंड्स, ये पूरा का पूरा ब्राउन है और इस ब्राउन का इस रेड से कोई भी रिलेशन नहीं है। नो ब्राउन इज रेड, कभी भी ब्राउन जो है रेड नहीं हो सकता। तो ये आपको स्टेटमेंट दिया है, इस स्टेटमेंट से आपने ये डायग्राम ड्रॉ किया है। अगर आप इस तरह से डायग्राम को ड्रॉ करेंगे तो कॉन्क्लूजन्स आपके कभी भी गलत नहीं होंगे। अब देखो कॉन्क्लूजन देखो कैसे कर रहा है आपको, कॉन्क्लूजन कहता है फर्स्ट कि ऑल ब्राउन आर जूट। अब देखो फ्रेंड्स ये आपका ब्राउन है, मैं आपका कलर चेंज कर देती हूँ, है ना, ताकि आपको अच्छे समझ आए। देखो ये पूरा का पूरा क्या है फ्रेंड्स आपका, ये पूरा का पूरा क्या है, ब्राउन है, और कॉटन कहाँ है, ये थोड़ा सा कॉटन है फ्रेंड्स, राइट। तो इसने कहा है कि सारा का सारा ब्राउन कॉटन है क्या यहाँ पर, तो ब्राउन तो इतना सारा है और कॉटन एक छोटा सा पार्ट है, तो सारा ब्राउन कॉटन थोड़ी दिख रहा है आपको, तो ये कॉन्क्लूजन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। आगे करते हैं सम जूट आर कॉटन, कुछ जूट कॉटन है क्या, तो देखिए फ्रेंड्स आप हम देख लेते हैं, देखो ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा जूट है और ये क्या है, थोड़ा सा पार्ट कॉटन। तो इसने क्या कहा है कि कुछ जूट, थोड़ा सा जूट कॉटन है क्या, तो देखो पूरे जूट का ये जो थोड़ा सा पार्ट है ये कॉटन भी है और ये जूट भी है, तो ये जो आपका सेकंड ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, राइट। तो फर्स्ट आपका इनकरेक्ट हो गया है और सेकंड क्वेश्चन सेकंड कंक्लूजन आपका राइट हो जाता है। तो आप कौन से ऑप्शन के साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर 2 जिसमें था कि ओनली 2nd कंक्लूजन इज ट्रू, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई भी फ्रेंड्स अगर डाउट होता है तो प्लीज कमेंट्स बॉक्स में दीजिए, हम यहाँ से आपकी क्वेरीज को सॉल्व करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं। देखो नेक्स्ट स्टेटमेंट में लिखा है फ्रेंड्स,
ऑल मशीन्स आर बेड, राइट, ऑल मशीन्स आर बेड, मशीन्स है ये आपकी, एम से मैं मशीन्स को डिनोट करूंगी, जो सारी मशीन्स हैं किसमें है, बेड है ये, ऑल मशीन्स आर बेड। ओके, उसके आगे लिखा है सम बेड आर ग्लोब, ये जो बेड है, बेड है और ग्लोब के बीच में कैसा रिलेशन है, सम का रिलेशन है, सॉरी यहाँ पर क्या है, सम का रिलेशन है, तो आप क्या करेंगे इसे सम से डिनोट करेंगे कि थोड़ा सा बेड क्या है आपका ग्लोब में आ गया है। आगे लिखा है ऑल ग्लोब आर राउंड, और ये जो ग्लोब है पूरा का पूरा ग्लोब जो है ये क्या है, राउंड के अंदर आ गया है, तो राउंड आपका क्या हो गया, यहाँ से सारा आपका राउंड हो जाता है। तो अब क्या लिखा है, सम मशीन्स आर राउंड, क्या कुछ मशीन्स राउंड है, तो देखो फ्रेंड्स आप देखो मशीन्स, मशीन्स कहाँ है, मशीन्स है आपकी ये भी, और राउंड कहाँ है आपका, राउंड है आपका ये वाला पार्ट, राइट। अब देखो मशीन्स और राउंड के बीच में कुछ भी रिलेशन नहीं है हमारा, मशीन्स इधर है अलग पड़ी है और राउंड अलग है इधर, कोई भी रिलेशन नहीं है, ना ही ना का ना ही हाँ का। तो इसने पूछा है कि क्या क्या सम मशीन्स राउंड है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, हमें कुछ नहीं पता इन दोनों के बारे में, तो हम कोई भी कंक्लूजन डिसाइड नहीं कर सकते हैं फ्रेंड्स। आगे लिखा है नो मशीन इज राउंड, तो मशीन और राउंड हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, तो हम ये भी कंक्लूजन को डिसाइड नहीं कर सकते, ना ही तो हमें ये पता कि कुछ मशीन्स हैं या कुछ नहीं है या सारी इसके अंदर है, हमें मशीन्स के बारे में और राउंड के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो जब कुछ भी नहीं पता तो कोई भी कंक्लूजन पर हम नहीं पहुंच सकते फ्रेंड्स, तो इंडिविजुअली क्या है, दोनों कंक्लूजन गलत हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहां से एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि आपका ऑप्शन नीदर आएगा, ठीक है, नीदर नॉर आएगा या फिर इधर और आएगा। अब देखो इधर और के लिए कुछ पॉसिबिलिटीज मतलब कुछ केसेस का कंफर्म होना जरूरी होता है। सबसे पहली बात, दोनों इंडिविजुअली रॉन्ग होने चाहिए, तो दोनों इंडिविजुअली रॉन्ग है। उसके बाद एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए, तो अगर हम फर्स्ट कंक्लूजन की बात करें तो ये कैसा है, पॉजिटिव है, और सेकेंड कंक्लूजन की बात करें तो ये कैसा है, नेगेटिव है, ठीक है। उसके बाद एलिमेंट्स, सम मशीन्स आर राउंड, एलिमेंट्स भी फ्रेंड सेम होने चाहिए, यहाँ पर मशीन्स और राउंड है और यहाँ पर भी मशीन्स और राउंड है, तो एलिमेंट्स भी आपके सेम है। तो अगर आपका दोनों इंडिविजुअली रॉन्ग भी होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है और एलिमेंट्स सेम होते हैं, तो हम किसके साथ जाते हैं फ्रेंड्स, इधर और के। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा क्या होगा, इधर और होगा, और आप ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ जाएंगे, ठीक है। इंडिविजुअली कोई भी सही नहीं है, लेकिन हम अगर हम कलेक्टिवली बात करें तो किसके किसके जाएंगे, साथ जाएंगे इधर और के। फ्रेंड्स इधर और नीदर नॉर में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है और इसी के बेसिस पर कई बार हमारे क्वेश्चंस भी गलत हो जाते हैं, तो प्लीज जो भी डाउट है यहाँ पर क्लियर कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट आपका कहता है सम क्यूट आर टॉल, सम टॉल आर रबिश, एंड ऑल रबिश आर मैन। मतलब सम क्यूट, ये क्यूट है, सम क्यूट आर टॉल, इस क्यूट का थोड़ा सा पार्ट किसमें है, टॉल के अंदर है, ठीक है, ओके। सम टॉल आर रबिश, तो सम टॉल आर रबिश, एंड ऑल रबिश आर मैन, और ये जो सारा का सारा रबिश है कौन है, मैन के अंदर चला गया, ठीक है। अब क्या लिखा है कंक्लूजन में, सम मैन आर टॉल, देखो मैन कहां पर है, ये देखो मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, इससे आपको समझ आएगा। सब मैन, ये मैन है, मैन का पार्ट कौन सा, ये वाला, और टॉल का पार्ट कौन सा फ्रेंड्स, ये वाला, ठीक है। तो आपको खुद ही देखो, देखने में पता चल जाएगा कि मैन का कुछ पार्ट क्या आ रहा है, टॉल के अंदर भी आ रहा है, मैन का ये वाला पार्ट टॉल के अंदर भी आ रहा है, तो सब मैन और टॉल आर राइट हो जाएगा। सम क्यूट आर मैन है क्या, देखो क्यूट की बात करूं मैं, अगर मैं बात करूं आपकी क्यूट की, तो क्यूट का है आपका ये रहा क्यूट, ठीक है, और मैन कहां पर है आपका, मैन है ये वाला पार्ट। तो क्या क्यूट और मैन के बीच में कुछ पॉसिबल कुछ भी कंक्लूजन निकल रहा है, जब कोई कंक्लूजन निकल ही नहीं रहा तो हम किसी भी कंक्लूजन पे पहुंच नहीं सकते, तो ये क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा, और हम किस ऑप्शन के साथ जाएंगे, ओनली फर्स्ट के ऑप्शन के साथ आपके साथ जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर वन, दैट इज ओनली कंक्लूजन वन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल लाइट्स आर वुड, सम पेपर्स आर वुड्स, ऑल पेपर्स आर बोरिंग, ठीक है।
सबसे पहले फ्रेंड्स वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से क्वेश्चंस को अप्रोच कीजिए और फिर चेक कीजिए कि आपका सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। कोई भी कंफ्यूजन होता है प्लीज कमेंट बॉक्स में देखिए और हमें आंसर कीजिए, ठीक है। हम यहाँ से आपको आंसर उसका क्वेरी का जरूर करेंगे। करते हैं स्टेटमेंट्स को सॉल्व। देखो ऑल लाइट्स, ये लाइट्स है आपकी, ऑल लाइट्स क्या है वुड के अंदर है अभी, ठीक है। आगे क्या कहा है, सम पेपर्स आर वुड्स, मतलब वुड्स और पेपर्स के बीच में कैसा रिलेशन है, सम का। आगे लिखा है ऑल पेपर्स आर बोरिंग, और ये जो भी पेपर्स हैं वो कैसे हैं, बोरिंग ही होते हैं, एग्जाम्स तो है ना, बोरिंग हो गया, ठीक है। तो क्या कंक्लूजन क्या कहता है, सम बोरिंग आर वुड्स, सम बोरिंग आर वुड्स। तो देखो फ्रेंड्स बोरिंग कहां पर है देख लेते हैं एक बार। देखो बोरिंग है ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट क्या है आपका बोरिंग है, और ये वाला पार्ट क्या है आपका वुड्स है पूरा। तो बोरिंग और वुड्स में सम का रिलेशन आ रहा है या नहीं आ रहा है फ्रेंड्स, आ रहा है। ये वाला पार्ट जो है बोरिंग में भी आ रहा है और ये वाला पार्ट वुड्स में भी आ रहा है, तो सम बोरिंग वुड्स है राइट। सम वुड्स और लाइट्स है क्या, तो देखो वुड्स ये वाला है पूरा है ना फ्रेंड्स, वुड्स ये वाला है और लाइट ये वाला पार्ट है राइट। तो क्या कुछ वुड्स लाइट है, तो बिल्कुल है, ये वुड है और वुड का ही कुछ पार्ट किस में आ रहा है, लाइट में आ रहा है, तो सम वुड्स आर लाइट है क्या राइट। तो इसका आंसर कौन सा होएगा, बोथ कंक्लूजन आर करेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर सॉरी फिफ्थ जाएगा, ऑप्शन नंबर फिफ्थ क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कि बोथ कंक्लूजन आर करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट कहता है सम सोशल आर लाइफ, सम सोशल आर लाइफ, सम कवर्स आर प्लास्टिक और सम प्लास्टिक आर रियल। देखो कुछ को लगेगा, आप इसे ना पॉज कीजिए वीडियो को फिर से करिए, अब आपको ऐसा हो भी हो सकता है कि कुछ फ्रेंड्स को लगेगा कि ये क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि क्या है कि सम सोशल आर लाइफ, ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है सम कवर आर प्लास्टिक और सम प्लास्टिक आर रियल, सोशल और लाइफ का कोई बात ही जिक्र ही नहीं हुआ, तो फ्रेंड्स को लगेगा कि ये गलत है। पर ऐसा गलत नहीं होता है, कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्स में डाले जाते हैं फ्रेंड्स। तो देखो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, आपका सम सोशल आर लाइफ ये बना लिया आपने, उसके बाद सम कवर आर प्लास्टिक, तो ये कवर है ठीक है, सम कवर क्या है प्लास्टिक के अंदर आ गया ओके, उसके बाद सम प्लास्टिक आर रियल, सम प्लास्टिक किसके अंदर आ गया है, कुछ प्लास्टिक का कुछ पार्ट रियल हो गया, लेकिन सोशल और लाइफ का और इससे आपस में कोई रिलेशन नहीं है, कोई जिक्र नहीं हुआ कि सम है नो है, तो हम क्या मान के चलेंगे कि कोई रिलेशन इसके बीच में नहीं है, हमें नहीं पता इनके बीच में क्या रिलेशन है ठीक है। तो अब क्वेश्चन देखो, सम प्लास्टिक आर लाइफ, क्या कभी प्लास्टिक लाइफ हो सकती है, देखो ये आपका क्या है प्लास्टिक, ये वाला पार्ट है प्लास्टिक में है ना, और ये वाला पार्ट है लाइफ में, जब हमें इनका आपस में रिलेशन पता ही नहीं तो हम क्या कोई कॉन्क्लूजन निकाल सकते हैं, बिल्कुल नहीं निकाल सकते। इसलिए सम प्लास्टिक आर लाइव है या नहीं है हमें नहीं पता, इसलिए हम इसे क्या करेंगे रॉन्ग करेंगे, क्योंकि जिन चीज के बारे में हमें पता ही नहीं तो हम उसके कॉन्क्लूजन को कैसे निकाल सकते हो फ्रेंड्स राइट। आगे लिखा है सम कवर आर रियल, तो देखो कवर ये वाला पार्ट है, मैं आपको दिखाती हूँ एक बार, देखो कवर कहां पर है, ये वाला पार्ट है कवर और ये वाला पार्ट है रियल राइट। क्या कवर और रियल के बारे में कुछ पता है आपको, कवर ये रहा ऐसी तो हो रहा है, कवर ये रहा और रियल ये रहा, क्या इनके बारे में कुछ पता चल सकता है कि सम है नो है क्या है, कुछ भी हो सकता है। जब इनके बारे में कुछ पता ही नहीं तो हम किसी कॉन्क्लूजन पर जा ही नहीं सकते, तो ये सम कवर आर रियल है या नहीं है हमें नहीं पता, इसलिए हम इस कवर इस कॉन्क्लूजन को क्या करेंगे ठीक है रॉन्ग करेंगे। तो आपका क्या हो गया, सम प्लास्टिक आर लाइफ भी इंडिविजुअली रॉन्ग हो गया और सम कवर आर रियल भी इंडिविजुअली रॉन्ग हो जाता है फ्रेंड्स ठीक है। तो आप किसके साथ जाएंगे, नीदर नॉर है ना, कुछ फ्रेंड्स को कंफ्यूजन रहेगा कि इधर और के साथ क्यों नहीं जा रहे हैं, तो इधर और के साथ क्यों नहीं जा रहे हैं, क्योंकि सबसे पहली कंडीशन एक प्लस और एक प्लस और एक माइनस होना चाहिए, ऐसा नहीं है दोनों पॉजिटिव हैं। दूसरी बात सबसे पहली बात सर फ्रेंड्स एलिमेंट्स ही सेम नहीं है, यहाँ पे प्लास्टिक और लाइव है और यहाँ पे कवर और रियल है ठीक है, तो इसमें क्या जाएंगे नीदर नॉर, यानी कि ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा राइट फ्रेंड्स। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस को अप्रोच करना है।
तो फ्रेंड्स ये लास्ट क्वेश्चन था इस सेशन का। अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगा हो, ट्रिक्स कुछ इंटरेस्टिंग लगी हो, तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो जल्दी ही मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप वॉचिंग सक्सेस पॉइंट। थैंक यू।